चालू है, बोल। सुरवे सेवा सिवा जो है जय गोंडवाना, जय गोंडवाना गणराज्य भारत। दोस्तों इस माटी को सिवा जो है। दोस्तों आप लोगों के समक्ष ये जो मैं वीडियो लाया हूँ इसमें कई सारी रोचक जानकारियां हैं और शायद ही आपने ये कई और जगह सुनी होंगी, तो मैं सीधा शुरू करता हूँ अपने वीडियो को। और देखा जाए तो ये जो पांच खंड है इस भूमि के, तो उसको गोंडवाना कहा ही जाता है और आज भी कहा ही जाता है। और इस गोंडवाना भूभाग में जो हमारा भारत देश है, गर्व है इस बात पे कि हम भारतीय है। इस भारत देश को ऐतिहासिक काल में अगर देखा जाता है तो इसको कई अन्य नामों से कहा गया है, जैसे कि कुयवा राष्ट्र, जम्बूद्वीप, सिंगार द्वीप, ऐसे कई अन्य नामों से हमारे भारत देश को जाना गया है। और एक वक्त ऐसा आया जिस वक्त में मुगल काल में हमारे भारत देश को हिंदुस्तान ऐसा भी कहा गया है। अब मैं इस हिंदुस्तान जो कहा गया था इस पर ना बात करते हुए मैं सीधा अपने भारत देश पर बात करता हूँ। अपने भारत देश में जो ऐतिहासिक बात है वो शायद ही किसी देश में है। मैं शुरू करता हूँ हमारे भारत देश के जो कई सारे शासक थे उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से शासन किया। और जो अफगान देश था वहाँ से लेकर के तो श्रीलंका तक यहाँ पर कई सारे गणराज्य शासन चले हैं। गण यानि कि ट्राइबल अर्थात इंडिजीनियस मतलब हम लोग। तो हम लोगों ने अपने भारत देश को काफ़ी अच्छी तरीके से शासन करके एक बहुत ही संजोए रखा है अच्छी तरीके से। तो इसके इतिहास में अगर हम और जाते हैं तो हमारे को जानकारी मिलती है कि इस भारत देश में ऐसे इतना लंबा शासन चला हुआ है जो शायद ही किसी अन्य देश में चला है। तो हम अगर देखते हैं कि यूरोपियन कंट्री हो गई, अमेरिकन कंट्री हो गई, अफ्रीकन कंट्री हो गई या अन्य इत्यादि कितने भी कंट्रीज हुए, कितने भी, तो उन लोगों में इतना लंबा शासन करते हुआ कोई भी ऐसा कुछ जानकारी नहीं मिलती। वो हमारे भारत देश में है। हमारे भारत देश में अगर हम जाते हैं तो मध्य भारत का जो गढ़ा मंडला से 20 किलोमीटर दूर पूर्व से पश्चिम की ओर, वहाँ पे दोस्तों नामनगर करके एक जगह है। और नामनगर जो जगह है वहाँ पे नामनगर करके एक शिलालेख है और वो शिलालेख उत्कीर्ण किया गया है सन 1667 में, ठीक है। तो वो शिलालेख जो था वो राजा हृदय शाह इनके द्वारा उत्कीर्ण करके स्थापित किया गया। अब वो शिलालेख की खासियत क्या है मैं आपको ये बताता हूँ कि वो शिलालेख में एक ऐसी सूची दी गई है जो राजाओं की सूची है जिन्होंने गढ़मंडला का राज किया है, मध्य भारत में राज किया है। तो वैसे देखा जाए तो मध्य भारत का शासन बहुत ज्यादा साल तक चला। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 500 साल, 800 साल, 1000 साल, 1500 साल, 2000, 2000 से भी अधिक। दोस्तों 2000 से भी अधिक हमारे गढ़मंडला के शासकों ने अपना शासन चलाया। और ये शासन सुनाल सिंह उइका उनसे पहले से भी चलता आया है। और वो ईसा पूर्व है वहाँ का शासन। तो दोस्तों जो ईसा पूर्व से भी शासन करते आए सुनाल सिंह से हमारे को जानकारी मिलती है। सुनाल सिंह उइका राजा जो थे वहां से लेकर ये सब चलता आया। तो जो शिलालेख पर मैं आता हूँ, शिलालेख में जो सूची दी गई है उस सूची में सर्वप्रथम नाम जो आता है वो क्रमांक एक जदोराय जी जो राजा थे वहां के शासक थे उनका क्रमांक आता है। और इनका शासन का काल आता है 381 और वहां से लेकर के तो राजा हृदय शाह इनका क्रमांक आता है 54। तो दोस्तों इनका साल था सन 1703, आप सोच भी नहीं सकते। और आगे चल के एक रिसर्च करता आते हैं हमारे भारत देश में, उन्होंने ये जो उत्कीर्ण किया गया शिलालेख है उसके ऊपर और भी रिसर्च करते हैं और उनको पता चलता है कि जो शासन चला ये शासकों का वो सिर्फ इतना ही नहीं तो और भी लंबा है। तो इसका विस्तार वो बताते हैं अपने रिसर्च में स्लीमेन 1887 में, ठीक है। 1887 में स्लीमेन आए थे, इन्होंने अपना रिसर्च बताया और अपने रिसर्च में उन्होंने बताया कि यह जदोराय क्रमांक एक 381 से लेकर राजा समेर सिंह का जो ईस्वीसन था वो 1789 तो 1789 तक
वहां के शासकों ने राज किया ऐसा उन्होंने अपने रिसर्च में बताया हुआ है दोस्तों। ये बहुत ही गर्व वाली बात है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जिस देश में इतना लंबे काल तक शासन चला है। वो शासन हमारे देश में चला, हमारे गोंड राजाओं ने चला। ये हम भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है और हम लोगों को ये जानकारी अपने हर एक बच्चों को देनी चाहिए और इससे हमारे भारत का गर्व काफी आगे बढ़ता है। हमारे हर एक ऐतिहासिक बुक में इसकी जानकारी आनी चाहिए दोस्तों। इसकी और भी ज्यादा अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बुक है गोंडवाना गणराज्य का स्वर्ण युग, ये लेखक द्वारा प्रकाशित किया गया हुआ है और इस बुक में वो शिलालेख के बारे में तो जानकारी दी ही गई है बल्कि भारत में जितने भी शासकों ने शासन किया है उन शासकों के बारे में भी बहुत सारी जानकारी है। तो वो शासकों ने ऐसा क्या क्या काम किया है वो हम हमारे को आगे पता ही चलेगा इस बुक को हम जैसे पढ़ते हैं। मैं बात करूंगा फिर से शिलालेख पे। तो शिलालेख को अगर हम जानते हैं तो इसमें कई सारे अन्य शोधकर्ता रिसर्च करने वाले इन लोगों ने अपनी बात रखी, तो मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूंगा जो बुक में जानकारी दी गई है लेखक द्वारा। तो लेखक बताते हैं सन 1825 में कैप्टन फेल एशियाटिक रिसर्च पोथी, इसमें उन्होंने इस जो शिलालेख है जहाँ जो राजा रुद्रशाह ने 1667 में उत्कीर्ण किए तो उसका वर्णन वो उसमें करते हैं। और फिर उसके बाद देखते हैं 1837 में स्लीमेन बताते हैं हिस्ट्री ऑफ गड़ामंडला राजा। फिर 1869 कैप्टन वार्ड बंदोबस्त रिपोर्ट ऑफ मंडलास, इसमें वो अपनी बातों का वर्णन करते हैं, शिलालेखों का पूरा वर्णन करते हैं और अपनी जानकारी देते हैं। 1881 में सर कनिंगम एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें शिलालेख का वर्णन करते हुए पूरी जानकारी वो बताते हैं। और 1905 ईस्वी सन में पी गणेश दत्त पाठक द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ गढ़ा मंडला, इस अपनी बुक में वो उत्कीर्ण किए गए शिलालेख के बारे में और भी विस्तार बताते हैं। और 1790 जो था ईस्वी सन उसमें रूपनाथ ओझा गणन उपेशन इस ग्रंथ में इस शिलालेख के बारे में जानकारी देते हैं तथा वहाँ के शासकों के बारे में जानकारी देते हैं। आप लोगों को इनकी बुक जरूर पढ़ना चाहिए और भले ही इतने सारे बुक नहीं कलेक्ट कर पाएंगे आप तो एक ही बुक पढ़ो जिसमें पूरी जानकारी दी गई है। और मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको और भी बातें बताऊंगा जिसमें वो शिलालेख में ऐसा और क्या क्या लिखा है और इस शिलालेख में एक ऐसे महाराजा थे जिनके बारे में मैं अपने मुंह से वर्णन इतने कम समय में नहीं कर पाऊंगा, वो अपने अगले वीडियो में ही बताऊंगा। तो उनके वर्णन में उस शिलालेख में क्या लिखा गया है और भी शासक थे उनके बारे में क्या लिखा गया है ये अपने आने वाली वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों पूरा वीडियो शांतिपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का और इस वीडियो को जरूर आगे शेयर करिए और इस बुक को आप खरीदिए और काफी सारा नॉलेज जो है जो हमारे नजरों से हमारे दिमाग से और हमारे इतिहास से ओझल है अभी तक उसको वापस जानिए और जिस इतिहास को हम लोगों को जिस मुकाम पे ले जाना है जानना है उसको सभी के समक्ष लाइए। तो इतना ही कहके मैं आप सभी को सेवा जोहार करता हूँ। जय गोंडवाना, सेवा जोहार, जय गोंडवाना राज, जय गोंडवाना गणराज्य भारत।